वेलकम बैक टू द वीडियो। ये वाला वीडियो लास्ट सैटरडे का जो वीडियो था उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में है, जहाँ पे हम गार्डन में थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहे हैं, दिवाली डेकोर कर रहे हैं। तो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने ना यहाँ पे ये सारी रोप से ये बनाया था, और अभी मैं इस वाले कॉर्नर में जो भी हैंगिंग प्लांट्स है ना उसको लाइक प्रॉपरली ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये मोगरा है, ये मेरे पास में इधर बोगनवेलियाज है, और ये मनी प्लांट है। तो इन लाइक तीनों प्लांट्स को मोस्टली मैं इधर ही चढ़ाने वाली हूँ। और मैंने अभी यहाँ पे ये रोप भी लगा दी है, जो ये वायर के हुक्स आते हैं जिनको आप लाइक जिनसे वायर को आप दीवार में माउंट करते हो, मैंने उनसे ये यहाँ पे ये लगा दिया है। एंड यस, अभी आई एम जस्ट गोइंग टू try to let these plants climb up the wall, ठीक है? So let's get started. And then यहाँ पे भी सेम ट्रिक यूज करके मैंने ये जो मालाबार स्पिनिच का प्लांट है वो इधर लगाया है, और यहाँ पे सबसे ऊपर ही ऊपर, ताकि जूट रोप नीचे नहीं खिसके, मैंने ऊपर एक नॉट लगा दी है। एंड इन हुक्स के सहारे यहाँ पे ये होपफुली ये प्लांट अब इसके ऊपर ट्रेल होगा। नाउ आफ्टर ऑल द ट्रेलिंग प्लांट्स थिंग, अब हम यहाँ पे एक पॉन्ड काइंड ऑफ अ थिंग बनाने वाले हैं। तो मैं इस टब को यूज करने वाली हूँ, इसके ऊपर पेंट करेंगे। लेट मी टर्न ऑन द बैक। इस टब को यूज़ करने वाली हूँ, इसको यूज़ करके एक पॉन्ड काइंड ऑफ अ थिंग बनाएंगे। ये पानी है सिंपल, ये टेराकोटा पेंट है एशियन का, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि ये पॉन्ड रात को बहुत अच्छा लगेगा, क्यों वो आपको जल्द पता चलेगा। पेंट वाले अंकल ने कहा था कि आप जितना पेंट लो उतना आप इसमें पानी मिला सकते हो। सो दैट इज हाउ आई एम पेंटिंग इट। टेराकोटा पेंट इसलिए क्योंकि मुझे टब को मिट्टी के टब जैसा लुक देना था, क्योंकि छत की वाइब वैसी है, इसलिए मैं यहाँ पे टेराकोटा पेंट यूज कर रही हूँ। नमस्ते, और आज है थर्सडे, और आज हम यहाँ पे ये इसमें इसके अंदर एक वाटर पॉन्ड काइंड ऑफ अ थिंग सेटअप कर रहे हैं। मैंने पहले ना इसको इधर सेटअप करने की कोशिश करी, फिर इधर, बट ये ना बहुत ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रहा था कि ना बीच में लाइक सारे नॉर्मल पौधे हैं, तो ये बेसिकली अच्छा नहीं लग रहा था। फाइनली द पोजिशन विच आई हैव चोजन इज यहाँ पे, ये ऊपर चंपा का पौधा है, यहाँ पे आई हैव अ जेड, नीचे यहाँ पे ना और ऐसे प्लांट्स एक कॉर्नर पे अकोमोडेट करके। सो लाइक दिस विल बी अ काइंड ऑफ अ कॉर्नर सेटअप, जहाँ के इसके अंदर आई एम गोइंग टू लाइक यू नो क्रिएट अ पॉन्ड स्पेशली फॉर दिवाली, क्योंकि आई हैव अ वेरी वेरी गुड थिंग। मतलब मैंने एक लिली लेके आई हूँ, वाटर लिली, आर्टिफिशियल है, बट वो रात को जलती है, लाइक यू नो एज सून एज यू पुट दैट इन वाटर, सो दैट थिंग स्टार्ट्स लाइटनिंग अप। आई फाउंड दैट लाइक रियली फैसिनेटिंग। तो उसको इसके अंदर डालेंगे, प्लस आई हैव ऑल्सो गॉट वाटर कैबेज, जो कि एक वाटर प्लांट होता है। मुझे और भी वाटर प्लांट्स चाहिए थे, बट मुझे जयपुर में मिले नहीं। आई एम गोइंग टू फाइंड दोज, एंड इसके अंदर फिर धीरे धीरे करके और वाटर प्लांट्स ऐड करेंगे। अभी के लिए काफ़ी छोटा टब है, but for now it will do the purpose. So for now let's start setting up this water pond. Also मेरे पास में ये ना इस वाले टब के अंदर ये वाला भी प्लांट है, which kind of gives like की लिली की लीव्स का लुक है, but इसको कुछ और बोलते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, मैं हमेशा इसका नाम भूल जाती हूँ। एंड यू नो ये सिर्फ एक पॉट में उग रहा है, और ये पॉट से ही somehow अपने आप पूरे टब में फैल गया। सो इसमें से आई एम गोइंग टू टेक फ्यू, और वही एक गमले में, छोटे से गमले में लगा के मैं उसको उसी वाले पॉन्ड के अंदर भी डालने वाली हूँ। सो आई फील कि दिस विल ऑल्सो लुक रियली गुड। मेरे पास में यहाँ पे ये छोटू सा पॉट था विदाउट होल है, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी क्ले सॉइल डाली है, और अब इसके अंदर से मैं विथ रूट्स दो तीन स्ट्रैंड्स निकाल के इसके अंदर डालूंगी। यहाँ पे आई हैव मैनेज्ड थ्री, आई एम गोइंग टू पुल आउट मोर,
इसके अंदर मैं नीचे गार्डन सॉइल डाल रही हूँ और उसके ऊपर आई एम गोइंग टू कवर दिस अप विथ योर नॉर्मल क्ले सॉइल। ये सॉइल इसलिए क्योंकि जब ये पानी के अंदर भी रहेगा पूरा तो भी मतलब क्ले सॉइल ऐसे ऊपर उठ के नहीं आती, अदरवाइज गार्डन सॉइल ना ऊपर उठ उठ के बाहर निकलने लग जाती है गमले में से। एंड मेरे पास में ये वाला प्लांट पहले भी था एंड दिस वॉज डूइंग लाइक उस टाइम तो इस वाले टब में पूरा ये पानी से कवर्ड रहता था तो उसमें भी दिस लाइक यू नो दिस प्लांट डिड परफेक्टली फाइन। और इसको आप ना ऐसे पानी में भी रख सकते हैं एंड नॉर्मल मिट्टी में भी रख सकते हैं, नो इश्यूज। सो ये इसके अंदर सेटल हो गया है, आई मे टाई दीज मतलब एक साथ, लेट्स सी। सो यहाँ पे पॉन्ड को डेकोरेट करने के लिए मेरे पास में ये वाटर कैबेज है, यहाँ पे थोड़े बहुत स्टोन्स हैं, इधर जो प्लांट अभी प्रिपेयर किया था वो है एंड प्लस ये गणेश जी हैं। सो लेट्स सी कि हाउ दिस गोज एंड प्लस लास्टली वी आर आल्सो गोइंग टू पुट अ वाटर लिली आर्टिफिशियल वाली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मैं यहाँ पे सेटअप पे रील क्रिएट करने वाली हूँ तो आपको ये मे बी हॉरिजॉन्टल वर्जन में दिखेगा बट देन यू नो कि कैसा प्रोसेस है एंड ऑल दोज थिंग्स। इसके अंदर सिंपल पानी डालेंगे और इन सब से इसको फाइनली असेंबल करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ ये लुक ट्राई कर रही हूँ कि व्हाट फिट्स द बेस्ट। ऑल्सो आई जस्ट लाइक यू नो गॉट रिमेम्बर्ड, मुझे अचानक से याद आया कि ये सारे शेल्स ना जो पास में आंटी है वो मेरे लिए लेके आई थी जब वो लोग गुजरात घूमने गए थे एंड दीज आर सो प्रिटी सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू यूज दीज। सो अभी सेटअप मुझे काइंड ऑफ ठीक लग रहा है, लेट्स सी कि फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है। सो दिस इज हाउ द फाइनल सेटअप लुक्स लाइक। और ये वो वाटर लिली है लाइट जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, आप इसको पानी से निकालते हो एंड लाइट्स गेट ऑफ एंड द मोमेंट यू पुट दिस वन इन वाटर इट गेट्स स्विच्ड ऑन। अभी मैं इसको ये वाला जो कॉर्नर है वहाँ पे रखने वाली हूँ, इधर मैंने ऑलरेडी जो मटकी का नीचे वाला पार्ट होता है उसको रख दिया है एंड दिस इज गोइंग टू बी देयर। इसी दिन की रात की शाम की क्लिप है, मैंने ना लाइक ये वाली जो लिली लाइट थी वो पानी में जल रही है, इसके पीछे यहाँ पे मैंने टी लाइट्स रखी है, एक इधर है एक इधर है एंड एक उसके पीछे है एंड दिस कॉर्नर इज लुकिंग सो गुड। ये देखो यहाँ पे ये जो गणेश जी हैं इनके यहाँ से यू कैन ऑल्सो सी वो स्मोक का वाटरफॉल, सो दैट इज सो प्रिटी। यहाँ पे बांदर वाल बनाने के लिए जो बहुत ही बेसिक आइडिया मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, जो ये ऐसे वाले डब्बे हैं, मैं इनको लाइक इनका ये रैपर हटाऊंगी और फिर उसके अंदर ये टी लाइट्स डाल के और इन सारे डब्बों को इस रोप से कनेक्ट करने वाली हूँ, प्लस थोड़ा सा फेस्टिव लुक देने के लिए वापस से इसके ऊपर गोल्डन स्प्रे पेंट स्प्रे करूँगी और साइड में ये दो लटकाऊंगी जो कि अगेन टी लाइट होल्डर्स हैं। दिस इज अ वेरी ब्रॉड ऊपर से आइडिया ये है, लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। आई एम सिंपली रिमूविंग द स्टिकर, मैंने सिर्फ इसको सिंपल पानी में भिगोया था एंड थोड़ी देर बाद में लाइक इट इज कमिंग ऑफ ऑटोमेटिकली।
How pretty has this turned out? This looks so beautiful. इसको ना अब मैं ये जो ये वाली जो वॉल है ना इस पे एज अ बांदर वॉल लगाने वाली हूँ. हेलो. तो अभी तक हमने इस वीडियो में क्या क्या किया, हमने गमलों को पेंट किया, जो ऊपर चढ़ने वाले पौधे थे उनको वॉल पे अच्छे से अरेंज किया, हमने एक छोटू सा पॉन्ड बनाया काइंड ऑफ अ ज़ेन गार्डन आल्सो, और हमने वो एक मतलब कि काइंड ऑफ अ DIY टी लाइट्स को यूज करके एक बांदर वॉल काइंड ऑफ अ थिंग बनाई, एंड वो आप ना सिंगल सिंगल पीसेस में भी यूज कर सकते हैं, विच आई एम गोइंग टू शो यू नाउ. And I think yes, so इस वीडियो में हमने ये सब किया. And if you ask me about the cost, तो जो टी लाइट्स की कॉस्ट थी वो मैं आपको लास्ट वाले वीडियो में बता चुकी हूँ. जो हमने पॉन्ड बनाया था उसके अंदर जो वो जो लिली लाइट थी वो मैं लेके आई थी जयपुर से ही लोकली. देयर इज दिस नर्सरी, रुक्मिणी नर्सरी, वैशाली नगर में है, चित्रकूट एरिया में है. मैं ना डिस्क्रिप्शन में उन भैया के नंबर, नर्सरी का एड्रेस वगैरह सब कुछ ड्रॉप करूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं. स्टोन्स वर ऑल्सो लोकली अक्वायर्ड, वो मुझे मेरी मासी ने दिए थे. जो वाटर कैबेज प्लांट था वो भी मैंने रुक्मिणी नर्सरी से ही लिया था. और जो दूसरा वाला प्लांट हमने लगाया था उसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. इफ़ यू आस्क मी अबाउट द कॉस्ट, जो लिली लाइट थी वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है. भैया ने मुझे थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया था क्योंकि मैंने उनसे बार्गेनिंग वगैरह करवा ली थी, प्लस मैं प्लांट्स काफी टाइम से बाय कर रही हूँ, तो भैया काइंड ऑफ बातचीत करके उनसे वो हो गया था. बट इफ यू आस्क मी तो आपको वो अराउंड 150, 160, maybe 180 कुछ की पड़ेगी वन लाइट. जो वाटर कैबेज प्लांट है वो आपको नर्सरी में मिल सकते हैं, बैंगलोर साइड काफी सस्ते मिलते हैं. बट इफ यू आस्क मी जयपुर में इट विल कॉस्ट यू मे बी समवेयर अराउंड 100K3 या फिर 120K3, बट मुझे थोड़ा सा और कम प्राइस में मिला था. यस दैट इज इट. और वो जो गणेशा जी बीच में लगाए थे वो भी मुझे किसी ने गिफ्ट किए थे, तो मैंने वही यूज किया था. बट अगर आप वो पहाड़ खरीदने जाते हो तो अगेन वो आपको अराउंड 120-150 के पड़ेंगे. सो दिस वॉज अबाउट द कॉस्ट. बांदरवाल का मैंने कुछ कॉस्ट उसमें लगी नहीं, सब कुछ अपसाइकिल था. तो यस दैट वॉज इट. आई होप कि जो भी आइडियाज मैं शेयर कर रही हूँ, सो लाइक यू नो दीज ऑल द आइडियाज आर जस्ट रैंडमली कमिंग इन माई माइंड कि हाँ ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, एंड आई एम लाइकिंग इट. अगर आपको ये आइडियाज पसंद आ रहे हैं प्लीज शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, इट विल मीन अ लॉट टू मी. आपके परिवार में कोई भी है जिसको ऐसे DIY, जिसको खुद से चीजें करना पसंद है, घर डेकोरेट करना पसंद है, तो आप उनके साथ में ये वीडियो पक्का से शेयर कीजिए. अगर आपने अभी तक मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी देखिए, उसका मैं लिंक इधर ड्रॉप कर दूंगी, इधर या फिर इधर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? तो वहां से आपको उसका लिंक मिल जाएगा. और इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर दीजिए. वो मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मतलब इट जस्ट कीप्स मी मोटिवेटिंग कि हाँ आप वीडियो बनाते रहो, लोग देख रहे हैं, लोगों को आपका कॉन्टेंट पसंद आ रहा है. और जो वीडियो के नीचे लाइक बटन है आपको उसको भी प्रेस करना है, ठीक है? जस्ट एज माई दिवाली गिफ्ट आप प्लीज लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए एंड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, एंड दैट विल मीन अ लॉट टू मी, ठीक है? सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो. सैटरडे को भी अ काइंड ऑफ दिवाली रिलेटेड वीडियो ही आ रहा है, सो प्लीज स्टे ट्यून फॉर दैट. ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.